हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ गौड़। विनोद गौड़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से दोबारा से हार्दिक स्वागत है। और मेरा अब ये जो आज का नेक्स्ट वीडियो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी इनकम टैक्स की तरफ से है। जी हाँ, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उससे संबंधित सूचनाओं से रिलेटेड है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नई गाइडलाइंस कौन कौन सी आई हैं उन लोगों के लिए जो लोग अपना रिटर्न्स फाइल्स अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास हैं ऐसी चार चीज़ें। तो ऐसी चार चीज़ें कौन सी हैं जो लोगों के पास हैं और उन्होंने अभी तक ITR नहीं किया है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अब उनको पढ़ना, यानी कि अब उन्हें पड़ेगा ये महंगा। तो अगर उनके पास ये चार चीज़ें हैं तो वो आज ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सही समय पर फाइल कर दें। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ये चार चीज़ें कौन सी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है घर या मकान। जी हाँ, मेरा मतलब है यदि किसी भी व्यक्ति के नाम से उसके पास मकान या घर है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी रिटर्न्स फाइल करनी होगी। और यदि ऐसा व्यक्ति रिटर्न्स फाइल नहीं करता है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे उसके इनकम यानी कि आय के स्रोतों के बारे में जानकारी पूछ सकता है। और इसके साथ साथ जो उसने घर या मकान खरीदने के लिए पेमेंट्स की है तो उस पैसों की जानकारी भी वो कलेक्ट कर सकता है। तो उसकी भी जानकारी देने के लिए आप तैयार हो जाइए। दूसरी चीज़, यदि आपके पास कार है तो फिर उस स्थिति में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न ना भरना महंगा पड़ सकता है। तो यदि आपने कार परचेज की है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई कार परचेज करते हैं तो उसका एक जो जानकारी से संबंधित दस्तावेज है वो कार एजेंसी डीलर्स के द्वारा बकायदा सरकार को भी उसकी जानकारी दी जाती है। तो वो सीधी सीधी जानकारी सरकार वहाँ से कलेक्ट करके आपसे भी उन पैसों के बारे में जानकारी मांग सकती है जिन पैसों से आपने कार परचेज की है। तो यहाँ पे कार खरीदने वालों के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना एक तरह अनिवार्य है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उनके लिए मुसीबत बन सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसके अलावा जो लोग 30 लाख से अधिक का फ्लैट या मकान खरीद चुके हैं, यानी कि जो खरीद रहे हैं खरीद चुके हैं, तो यहाँ पर उनको भी उस पैसों का हिसाब देना पड़ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, यानी कि यहाँ भी उनको भी रिटर्न्स फाइल करना ज़रूरी है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार उनसे उन रुपयों का हिसाब यानी कि खर्चा मांग सकती है कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए, यानी कि उस आय के स्रोतों की जानकारी भी सरकार आपसे कलेक्ट कर सकती है। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सभी जानकारियां आप लोगों से चाहिए यदि ऐसे व्यक्ति जो 10 लाख से अधिक के म्यूचुअल फंड के शेयर खरीदते हैं। जी हाँ, यानी कि 10 लाख से अधिक के यदि म्यूचुअल फंड के शेयर आप खरीदते हैं तो फिर उन पैसों का भी हिसाब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स को देना पड़ सकता है और उन लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्स करना अनिवार्य है। यदि आपके पास इन चार चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास है तो फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अवश्य कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आय के स्रोतों के बारे में जानकारी मांग सकता है और ज़रूरी पड़ने पर आपको पेनल्टी या सज़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप किसी भी तरह से दुविधाओं से बचने के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कीजिए और समय पर सरकार को अपने आय संबंधित जानकारी प्रॉपर देते रहिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आइकन्स के बेल को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथियों मित्रगणों को भी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी मेरे अब वीडियो आए हैं या आने वाले हैं इनकी संबंधित सूचनाएँ उनको समय समय पर मिल सकें और वो समय पर अपनी रिटर्न्स बाकायदा फाइल कर सकें बिना किसी दुविधा के। तो आप, तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।